हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सूट माय स्टाइल पर। और मैं शैलेन आज आपके लिए फिर एक नया वीडियो लाया हूं। और आज का जो वीडियो है वो भी धानी फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर है। हमारे एक व्यूअर हैं उमेश, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट पर। इन्होंने मुझे मैसेज किया है और इन्होंने अपने बारे में बताया है कि इनके साथ जो ये केस हुआ है धानी फाइनेंस लिमिटेड का फ्रॉड का केस, ये इनका दो दिन पहले हुआ है। 1250 रुपए ऑलरेडी इन्होंने पे किया हुआ है, अब इनसे 4450 रुपए मांगा जा रहा है। साइबर सेल में इन्होंने कॉल किया था बट उन्होंने बोला कि आपको लोकल पुलिस में जाना पड़ेगा। और इनका क्वेश्चन है कि अगर मैं लोकल पुलिस में जाता हूं तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई लीगल एक्शन लेंगे। तो देखिए, मैं आपको यहां पर बहुत सही और साफ सुथरी क्लैरिटी देता हूं इस पूरे केस के बारे में। जैसा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप के साथ दो दिन पहले ये केस हुआ, जैसा कि आपने मुझे बताया 1250 रुपए आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे लिए गए जो आपने इनको पे कर दिए। फिर आपको बोला गया कि भाई 4450 रुपए आपको और देना पड़ेगा एक सर्विस चार्ज, क्योंकि ये जो सर्विस चार्ज होता है ये रिटर्नेबल होता है। और जैसे ही आप 4450 रुपए का पेमेंट करेंगे, लोन का जो अमाउंट है 2 लाख का या 3 लाख का, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो 4450 रुपए है ये रिफंडेबल है, साथ साथ ये भी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। मतलब टोटल की मैं बात करूं, अगर आपका 3 लाख का अमाउंट है लोन का, तो 3,04,450 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब क्योंकि समस्या यहां पर ये आ गई कि आपसे पहले बोला गया था कि आपसे केवल प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी 1250 रुपए की और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने किया भी, आपने 1250 रुपए इनको दे दिया और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उन्होंने आपको पहले 1250 के लिए ठग लिया। फिर उन्होंने जब आपको बोला कि 4450 रुपए सर्विस टैक्स लगेगा, तो आपको कहीं दिमाग में शक हुआ और आपको ऐसा लगा कि ये अब गलत मामला चल रहा है, क्योंकि पहले कमिट केवल 1250 की फीस के लिए था। तो फिर आपको ऐसा लगा कि अगर मैं 4450 रुपए भी दे देता हूं तो मैं फिर फ्रॉड में फंस जाऊंगा, मेरे को लोन तो मिलेगा नहीं, ये पैसा भी वापस चला जाएगा। तो यहां पर आपने इस पूरे प्रोसेस को जो रोक दिया, ये आपने सबसे अच्छा काम किया, क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस को नहीं रोकते तो आपके ये 4450 रुपए भी डूब। अब इसके बाद जो बात आती है कि साइबर सेल में आपने कंप्लेंट के लिए किया, तो देखिए साइबर सेल में आपने जो फोन किया था और उन्होंने आपको बोला कि लोकल पुलिस में आप जाइए, तो आपको यहां पर दो एक्शन लेने चाहिए थे। साइबर crime.gov.in की वेबसाइट पर आपको सबसे पहले अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ केसेस जो होते हैं वो साइबर क्राइम के होते हैं, कुछ केसेस जो होते हैं वो लोकल पुलिस के होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो साइबर क्राइम .gov.in की वेबसाइट पर जाकर आपको अपना ये मैटर पूरा रजिस्टर करना चाहिए था। उसके बाद जो साइबर सेल की कॉल सेंटर पे आपने जो कॉल किया था, उन्होंने बोला था कि लोकल पुलिस में जाइए, तो आपको अपने लोकल पुलिस में आपको एक रिटन एप्लीकेशन देनी चाहिए थी। और उस रिटन एप्लीकेशन पे ऑब्वियसली जो आपका क्वेश्चन है कि आपको नहीं लगता कि कोई लीगल एक्शन होगा, तो अगर आप राइटिंग में वहां पे एप्लीकेशन देते अपने लोकल पुलिस में, तो उस पर लीगल एक्शन जरूर लिया जाता। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उनमें पूरे सिस्टम है, प्रोसीजर्स हैं, बट आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन आपसे सपोज कीजिए कि आपसे कोई पैसा फ्रॉडी तरीके से ले लेता है, तो आप हमेशा कोशिश ये करिए कि आप विद इन 24 आवर्स के अंदर आप कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराइए, तो आपके पैसे वापस आने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये सब जो लोग क्या करते हैं, ये जिस अकाउंट को ओपन करते हैं फ्रॉड करने के लिए, ये 24 घंटे बाद उस अकाउंट को या तो बंद कर देते हैं और या फिर उस अकाउंट में पैसा डलवाते ही नहीं है, सो दैट की बाद में निकलवाना पड़े, क्योंकि इनके जो मोबाइल नंबर्स होते हैं और इनके जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग के बेस पे चलता है। चाहे वो इंडिया बुल्स धानी के नाम से चल रहा हो, चाहे वो धानी फाइनेंस के नाम पे चल रहा हो, ये जो फ्रॉड चलते हैं ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे चलते हैं और कहीं ना कहीं पीछे पावरफुल लोग जो होते हैं वो इनके बैकअप में खड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रॉड है ये पूरी तरीके से हमारे देश के अंदर बंद नहीं हो पा रहा है और आज भी चल रहे हैं और शायद आगे चलते रहेंगे अगर इसी तरीके से बैकअप में पावरफुल लोग इनके पीछे खड़े रहते हैं।
मैं आपको एक अदर देन दिस इसके एक बात बताऊं कि अगर मैं बात करूं जामताड़ा की, जहां से स्पेशली इस तरीके के फ्रॉड ऑपरेट होते हैं वहां पर, तो मैंने एक बार न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ा था कि वहां के एक आईपीएस ऑफिसर का तबादला केवल इन्हीं लोगों ने करवा दिया था बिकॉज ऑफ कि वो आईपीएस ऑफिसर उनकी नकेल में दम कर रखा था और उसके दो साल बाद उस आईपीएस ऑफिसर की लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई थी। तो आप समझिए कि ये जो ब्रॉड स्केल में चल रहे हैं नेटवर्किंग, इनको पकड़ पाना, इनको जेल के अंदर रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पूरे गांव के गांव हैं जो इस तरीके के फ्रॉड को ऑपरेट करते हैं। यहाँ कोई ऐसा 10 और 15 आदमी नहीं है जिनको आप पकड़ के ले आओगे, एक पूरा गांव होता है। अगर आप जामताड़ा में जाएंगे तो पूरे एक गांव बसे हुए हैं, उन गांव में एक गांव में 300 आदमी है, एक गांव में 200 आदमी है, एक गांव में 250 आदमी है। तो अगर पकड़ोगे तो पूरे गांव को पकड़ोगे क्योंकि पूरा गांव ही इन्वॉल्व है इस काम में। बच्चों को 10वीं की एज के बाद, 10 साल की एज के बाद बंदूक को इस काम में लगा दिया जाता है और ये जो छोटे छोटे बच्चे से लेके महिलाएं आदमी सब ये एक ही काम करते हैं। उनके जामताड़ा जिस जगह से ये फ्रॉड ऑपरेट होते हैं, पुलिस अगर उनको पकड़ने भी जाती है तो समटाइम्स उनको पहले ही इंफॉर्मेशन लग जाती है कि पुलिस यहाँ आने वाली है और वो वहां से चंपत हो जाते हैं। सोचिए आप कि ये कितने ब्रॉड लेवल पे फ्रॉड हो रहा है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो चीज मैंने आज की वीडियो में आपको बताई है कि आपको क्या क्या करना चाहिए था और क्या क्या करना चाहिए है अभी भी, तो आप उस चीज को प्रोसेस करें, उस तरीके से आप चले तो कोशिश है कि जो आपके 1250 रुपए गए हैं हो सकता है वो भी आपके वापस आ जाएंगे, साथ साथ आपके साथ जो फ्रॉड कर रहे थे पर्सन वो भी पकड़े जाने के चांसेस हैं अगर आपके वो नियरेस्ट लोकल एरिया से कहीं से आपके साथ ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके साथ जो फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो न्यूड वीडियो कॉल का स्कैम हो, चाहे वो किराएदार के नाम पे ठगी हो रही हो, चाहे वो धानी फाइनेंस के नाम पे ठगी हो रही हो, चाहे वो इंडिया बुल्स के नाम पे ठगी हो रही हो, ये सब जो ठगी है ये जामताड़ा से ही हो रही होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि ये जो ठगी है ये आपसे केवल कोई आपके 50 मीटर दूर बंदा बैठा हुआ है आपसे ठगी कर रहा हो, क्योंकि इस तरीके के जो फ्रॉड केसेस है वो बैंगलोर, दिल्ली, कैलकटा, मद्रास, चेन्नई, कोयम्बटूर, ये बहुत जगह से ऑपरेट हो रहे हैं। आजकल हर एक बंदे अलग अलग जगह पे इनके ग्रुप में अपॉइंट कर दिए हैं और ये पूरा नेटवर्क तैयार हो रहा है इन सब चीजों के लिए जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो होप्स हो कि उमेश जी आपके क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको आज आपको मिल गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और आप सभी लोगों से जो लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे वीडियोस को देखकर एंजॉय करते हैं और आपको जानकारी मिलती है तो प्लीज मेरे चैनल को ऑफ करने से पहले हमेशा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आप तक वीडियो जो लाते हैं इसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं तब हम आपको ये जानकारी दे पाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।